गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीठू। आज मॉर्निंग 10 बजे से मैं काम स्टार्ट कर दिया और मॉर्निंग का सब काम मेरा कंप्लीट हो गया। आज बहुत जल्दी जल्दी मैं मॉर्निंग में उठी, सब काम कंप्लीट हो गया, इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई। और आज मैं खाने के अंदर क्या क्या बनाऊंगी आप लोग देखो, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन वेज में आज बनाऊंगी और वेज का बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनाऊंगी आप मैं तो आप सब लोग देखो मेरे साथ आके। चलो अभी मैं पपाया का साग बनाऊंगी डिनर लंच में। तो पपाया का साग मैंने ऐसे पपाया को मैंने ऐसे इसका ना जैसे सलाद बनाती है इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको क्या कहती है पता नहीं, तो मैंने ऐसे कर दिया पपाया को। अभी इसके अंदर मुझे क्या इसमें क्या क्या चाहिए, एक तेजपत्ता, फिर इलायची और लौंग और दालचीनी। अभी मैं ये सब फूरन में डालूंगी। तो पहले मैं इसको डाल दिया फूरन के अंदर और अभी तेजपत्ता को मैं अच्छी तरह इसके अंदर दे दिया और अभी थोड़ा सा गरम मसाला से थोड़ा सा वो स्मेल आएगा तब मैं इसके अंदर डालूंगी पंचफूरन। हाँ अभी हो गया, अभी मैं इसके इसमें पंचफूरन डालूंगी। पंचफूरन डालने के बाद इसके इसमें मैं जिंजर पेस्ट, इसके टमाटो, गार्लिक और जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, अभी मैं पंचफूरन दे दिया इसके थोड़ा सा दिया। आप लोग इसके अंदर जीरा भी फूरन दे सकते हो पंचफूरन के बदले में। अभी मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर, टमाटो और चिली। जीरा पेस्ट और जीरा का जो पाउडर है मैं घर में बना के रखती हूँ, हमेशा बाहर का नहीं है, ये घर का है। अभी जीरा, आप धनिया भी दे सकते हो इसके अंदर, लेकिन फिलहाल मेरा धनिया ख़त्म हो गया, ये जीरा से ही करिए और थोड़ा सा जीरा चाहिए। धनिया होता तो और भी टेस्टी हो जाता, लेकिन मेरे धनिया भी नहीं है। हाँ अभी हल्दी भी डाल दूंगी इसके इसमें, एक साथ सब भून लूंगी। ऑयल थोड़ा सा चाहिए क्योंकि ऑयल में ज़्यादा नहीं देती हूँ, फिर भी थोड़ा सा दे रही हूँ। अभी अभी मैं पपाया मेरा वो हो गया, अभी मैं पपाया का साग दे रही हूँ। सॉल्ट दे रही हूँ, चिली वो सब भी एक साथ दे दिया, सॉल्ट दे रही हूँ अभी। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ, इसके बाद इसको थोड़ा सा नरम होने दीजिए, फिर मैं इसको लिड को ओपन करती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा उठा के देखती हूँ कितना हुआ। हाँ पूरा देखिए आप लोग देखो कैसे वो हो गया, इसका पूरा नरम हो गया। और भी थोड़ा सा पकेगा और भी थोड़ा सा कुक होगा, और भी थोड़ा सा और 2 मिनट के बीच हो जाएगा। तो इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, 1 स्पून घी डाल देंगे
ठीक है। और गरम मसाला, पहले भी मैं गरम मसाला दिया था लेकिन और भी थोड़ा समय डाल रही हूँ। और गरम मसाला और घी को देने के बाद तुरंत आप लोग इसको ढक देना है, हिलाना नहीं। अभी और भी थोड़ा सा 2 मिनट इसको पकने दीजिए। अभी मैं लिड को फिर से ओपन करती हूँ और मैं देखती हूँ कैसे हुआ। हाँ, हो गए, मेरा पपाया का साग हो गए। और इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा किशमिश डाल दूँगी। और आप लोग बादाम भी डाल सकते हो, पीनट्स भी डाल सकते हो आप लोग। और किशमिश, बादाम, पीनट्स वो डाल के बनाओगे तो और भी टेस्टी है। तो मैंने फिलहाल अभी किशमिश ही दे दिया। और हमेशा घी को और गरम मसाला को देने के बाद तुरंत इसको ढक देना, क्योंकि स्मेल निकल जाती है। बिलीव मी गाइस, कितना अच्छा स्मेल आ रही है, बाप रे, बहुत ही अच्छा। आप लोग बना के खाओ और मुझे बताओ कैसा हुआ। मेरा पपाया का, मेरी पपाया का साग हो गई। अभी मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। यह पपाया का साग बन के रेडी हो गई। देखिए आप लोग बना के खाइए और मुझे बताइए, मैं जैसे जैसे बनाया सिंपल प्रोसेस में बनाइए और खा के मुझे बताइए। अभी मैं और एक आइटम बना रही हूँ, अनदर आइटम बना रही हूँ। ओ ये है, जैसे रिच गुआर्ड है, रिच गुआर्ड को मैंने ऐसे काट लिया, थोड़ा सा लंबा लंबा करके काट लेना है। और इसको इससे इसके साथ पोटैटो को भी सेम साइज़ में काटना है। और तो मेरे पास बैंगन था, मैं बैंगन थोड़ा सा दे दिया, नहीं दोगे तब भी चलेगा। अभी मैं थोड़ा सा पोटैटो को फ्राई कर देती हूँ, थोड़ा सा पोटैटो को फ्राई कर देती हूँ। हल्दी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ तो टेस्टी होगा। और ये बिल्कुल भेज है, इसके अंदर कंदा लहसुन कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं खाते कंदा लहसुन। इसके वजह से आप लोग इससे गार्लिक से और ऑनियन से भी बना सकती हो, बहुत ही अच्छा होगा। क्या है ना गाइस, खाना बनाना है अपने मन से। हाँ, मेरा अभी पोटैटो हो गए फ्राई। अभी मैं इसको पोटैटो को उठा भी सकती हूँ लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसके अंदर ही फोरन दे देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं इसको उठा, आप लोग उठा भी सकते हो, इसको उठा के फिर इसके अंदर फोरन डालो तो अच्छा रहेगा। अभी मैं कलंची फोरन दे रही हूँ, कलंची। कलंची के बाद अभी मैं इसको और एक तेज पत्ता भी डालना है। तेज पत्ते के बाद अभी मैं रिच गुआर्ड को डाल रही हूँ। आप लोगों ने देखा ना रिच गुआर्ड को मैंने कैसे लंबा लंबा करके काटा। हाँ, अभी मैं इसको मिला देती हूँ पोटैटो के साथ। आप लोग मसाला को थोड़ा सा भून के फिर आप लोग बनाओ वो भी ठीक है, और मैं जैसे बना रही हूँ वो भी ठीक है। अभी बैंगन को भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, इसमें। और अभी जो जिंजर, पोटैटो और वो सब डाल के रखा, मैं उसके अंदर इसमें डालूंगी। मैं गैस के, मैं भूल गई थी, क्योंकि पहले आप लोग मसाला को थोड़ा सा भूनो, इसके बाद ये सब डालना है। और मैं जो बना रही हूँ ना, यही प्रोसेस भी ठीक है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर दोनों डालना है आप लोगों को। और ऑनियन से बनाओगे तो ऑनियन पेस्ट डालना है।
सॉल्ट दे देती हूँ टेस्ट के हिसाब से। सॉल्ट देने के बाद टाइम में हमेशा ध्यान रखना, कभी ज़्यादा ना कभी कम हो जाए। मैं तो मेरा मैं जब बनाती हूँ खाना कभी भी ज़्यादा कम कभी नहीं होता। अभी मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। अभी मैं फिर से लिड को ओपन करती हूँ। अभी देखो कितना अच्छा भुना हो गया। अभी क्या ना मैं इसके अंदर हल्दी दे दी, आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर हींग भी डालना है और हींग फोरन में डालना है, वो भी मैं आज भूल गई फोरन में डालने। तो ऐसे भी आप बाद में भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। कितना अच्छा एरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छा एरोमा है, बड़ा मेरे नोज में लग रहा है। अभी फिर से मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। अभी फिर से मैं लिड को ओपन करती हूँ। देखो कितना पूरा साइड से पूरा तेल छोड़ दिया, अच्छी तरह से वो भुन गया, बहुत ही अच्छी तरह से साइड से देखो तेल छोड़ दिया। अभी मैं इसके अंदर गर्म पानी दूंगी। अभी पानी के अंदर गर्म करके रखा, अभी मैं इसके अंदर गर्म पानी दे देती हूँ। गर्म पानी दे दिया। गरम पानी दे दिया। अभी फिर से मैं इसको ढक दूंगी और बाद में गरम मसाला दे दूंगी। अभी फिर से इसको ढक दूंगी और आज मैं पहले बना के रखा था राइस और इसको बिटर गुआर्ड और पोटैटो फ्राई करके रखा था और राइस बना के रखा था अभी, और बाकी वेजिटेबल अभी हो रहा है। अभी गाइस मेरा वेजिटेबल पक के रेडी हो गई। देखो कितना अच्छा कलर आ गया और एरोमा तो इतना अच्छा आ रहा है कि पूछिए मत कितना अच्छा आ रहा है। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, आप लोग ऐसे बना के खाओ। गैस को मैं बंद करती हूँ। अभी मैं इसको निकालती हूँ और मैंने गरम मसाला दिया था, मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है इसके अंदर से, बहुत ही अच्छा एरोमा है। देखो कितना अच्छा बन के रेडी हो गया मेरे रिज गुआर्ड का वेजिटेबल, और ये भेज में खाओ बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग लंच करेंगे। अभी मेरा लंच बन के रेडी हो गई और हम लोग लंच करेंगे। लंच के बाद आप लोगों से बात करने के लिए फिर से आऊँगी और देखते हुए लोग आ गए क्या, शायद ना क्या तैयार हो गया। तो अभी 2 o'clock बज गया, अभी हम लोग लंच करती हूँ, आप लोग भी लंच करो। आज दोपहर को खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, बहुत नींद आ रहा था मुझे, तो फिर मैं जाके थोड़ा सा सो गई क्योंकि कल रात को बहुत लेट नाइट सोई मैं, तो इसके वजह से मैं आज दोपहर को सो गई। अभी उठी और अभी मैं सोच रही थी कि आज केक बनाऊँ शाम का चाय के साथ खाने के लिए, तो अभी मैं केक बनाती हूँ। केक बना के फिर चाय के साथ आपके साथ बात करती हूँ और पूरा फैमिली के साथ। आज निखिल भी आएगा और मेरी बेटी भी आएगी चाय के साथ। तो ठीक है, मैं केक बना के लेके आती हूँ झटपट करके, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अभी मैं केक बना रही हूँ और केक बनाने के लिए इसके अंदर मैं 1 एंड हाफ कप मैदा लिया। इसके बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पूरा आधा चम्मच थोड़ा सा ही दिया, और इसके बाद पाउडर मिल्क मिलाया सबको और कोको पाउडर दिया, तो सबको मैंने अच्छी तरह से छान लिया। छानने के बाद मेरा ऐसा हो गया, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गुठली रहता है इसके अंदर और मैदे के अंदर, इसके वजह से। अभी मैं इसमें क्या है ना थोड़ा सा
तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद, तेल आप बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हाफ कप तेल दिया मैंने इसके अंदर, और शुगर भी एक साथ ही मैं मिला दिया, शुगर भी मैं मिला दिया इसके अंदर। अभी मैं धीरे धीरे करके मिल्क डालूंगी, मिल्क डाल के फिर धीरे धीरे इसको मिलाऊंगी अच्छी तरह से। तो मैं इसके अंदर अभी ऑयल से पूरा केक टिन को ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से, पूरा साइड में सब मिस ग्रीस करना चाहिए, ग्रीस कर लिया। तो अभी देखो इसे अच्छे तरह से ग्रीस करने के बाद मैं इसके अंदर अभी थोड़ा सा मैदा छिटक दूंगी, क्योंकि मैदा से क्या ना इसको केक, मेरे पास बटर पेपर है लेकिन आज मैं बटर पेपर से नहीं करूंगी, ऐसे करूंगी। अभी अच्छी तरह से मैदा से साइड को कोट कर लेना है। देखिए कैसे करना है, अच्छी तरह से मैंने कर लिया। देखा गाइस, अभी केक टिन रेडी हो गया। अभी मैं धीरे धीरे इसको डालूंगी और बाकी जो पाउडर है ना इसको नीचे डाल दे। अभी मैं गाइस देखो इसके अंदर मैंने डाल दिया, अभी मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि साइड में जो हो रहेगा वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा करके देना है। और इससे पहले मैं ओवन को, आज मैं माइक्रो ओवन पे नहीं बना रही हूँ, मैं ओवन पे बना रही हूँ, गैस पे बना रही हूँ, तो इसकी वजह से पहले मैं गैस लिड को ओपन कर दूँ, इसका पहले मैं इसको प्री हीट कर लिया। अभी मैं इसके अंदर इसको बिठा देती हूँ, और लिड से मैं ढक देती हूँ। और गाइस हमेशा इसको मैं थोड़ा सा इधर रो है, होल है, मैं इसको भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो सब निकल आ जाएगा। अभी मिलती हूँ 30 मिनट के बाद, 30 मिनट तक इसको अभी निकालना ही नहीं, इसको पकने दीजिए, होने दीजिए, इसके बाद मैं मिलती हूँ। अभी मैं देखती हूँ मेरा केक बन के रेडी हुआ क्या, शायद रेडी हो गई। वाह टेन टेन टेन, कितना अच्छी तरह से केक बन के रेडी हो गई। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, मैं उससे चेक कर लेती हूँ। देखो कितना क्लीन आया, बिल्कुल कुछ नहीं, इसका मतलब है मेरा केक बन के रेडी होगा, कितना सॉफ्ट। अभी मैं बंद करती हूँ ओवन को। अभी देखो मेरा केक बन के रेडी हो गई, और अभी इसको मैं देखो कितना स्पंजी हुआ, कितना स्पंजी हुआ, मैं काट के दिखाती हूँ आप लोगों को कितना स्पंजी हुआ। वाह कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी हुआ केक। अभी चाय के साथ हम लोग इसका मज़ा लेंगे। देखिए आप लोग कितना स्पंजी हुआ, कितना कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है। वो चॉकलेट केक बन के मेरा रेडी हो गया। हाय गाइस, अभी इवनिंग में आप लोगों के साथ मैं दो मेहमान का मुलाकात करूंगी। और अभी पूछो ये दो मेहमान कौन है, कौन है ये दो मेहमान है, मेरा हस्बैंड निखिल और मेरा बेटी नीलाक्षी। तो अभी मैं इन दोनों को बुलाने वाली हूँ। अभी निखिल जी आइए, निखिल ये है निखिल, और ये मेरा बेटी है नीलाक्षी, नीलाक्षी मेरी, और ये है मिठू। वो लोग मुझे तब से पहचानते हैं, दो दिन से मुझे पहचानती है। और ये मेरा बेटी नीलाक्षी, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, मेरा एक ही बेटी है वो है नीलाक्षी। तो अभी हम तीनों मिल के अभी शाम का, इवनिंग का वो चाय का मजा लेती हूँ केक के साथ। तो चलो हम तीनों एक साथ केक खाती हूँ और चाय खाती हूँ, चाय पीती हूँ, आप सब लोग देखो। चलिए अभी चाय पे चर्चा होगा। अभी
मेरा केक बनकर रेडी और मैं केक लेके आ गई। अभी हम लोगों के साथ आप लोग भी खाइए, इसके बाद हम लोग खाएंगे। और चाय भी रेडी, निखिल का ब्लैक टी और मेरे लिए मिल्क टी, क्योंकि वो के सब मिल्क और चाय और केक का मजा लेती हूँ। और आप सब लोग देखो, और निखिल इसको बाय बाय टाटा काम, फिर मिलेंगे। तुम हंसो क्या, बात करो, कुछ बोलो। अभी चाय तो लो और एक एक केक भी ले लो। चाय पीजिए, क्योंकि मुझे ब्लैक टी बहुत ही पसंद है। शाम को मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, वो भी ब्लैक टी। मैं ऐसे व्हाइट टी नहीं पीता हूँ। अभी देखो अब केक भी दे रहे हो हाथों पे लेके, ठीक है? नहीं तो टेबल पे बहुत है। आज मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं। हैप्पी बर्थडे, ले लो थोड़ा सा बर्थडे, चलो आज बर्थडे मना लो। तुम खाओ, तुम खाओ। और मेरा बेटी, चलो बाबा। और मेरा बेटी भी अभी केक खा ले। कैसे हुआ बोलो, खा के बोलो कैसा हुआ। मम्मा ने कैसे बनाया केक? बहुत अच्छा हुआ, वो हमेशा ही वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाती है केक, बहुत ही अच्छा बनाती है। मेरी बर्थडे में मैंने कभी भी दुकान से केक नहीं मंगाता हूँ, क्योंकि इनका हाथ का केक ही मुझे सबसे अच्छा लगता है और टेस्टी भी बनाती है। आज कैसा हुआ, अच्छा बना चॉकलेट केक? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलो चलो चॉकलेट केक के साथ और चाय के साथ टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे। और मेरा चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं बाद में बातें करूंगा, क्योंकि चाय ठंडा हो जाएगा, मुझे गरम गरम चाय पीने का बहुत आदत है। तो फिर टाटा बोल दो, सब बाय बोलो। मुझे पता है, चाय पीने के बाद ही बात करूंगा। नहीं नहीं, फिर बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। केक ना के बोलो, केक नहीं दूंगा, केक नहीं दूंगा, केक को रगड़, केक नहीं दूंगा। बाय टाटा।